हेलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में बात करेंगे अपने नाइन्थ क्लास के वार्षिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसका सिलेबस जिला वाइज़ जारी किया जाएगा जिला वाइज़ कहने का मतलब हर ज़िले में आपके सभी सब्जेक्ट्स के पेपर अलग होंगे और उनका सिलेबस भी अलग होगा तो वो भी आपको यहाँ पर इस चैनल पर बता दिया जाएगा ये वार्षिक परीक्षा का पेपर सभी जिलों में पेपर तो अलग-अलग होगा अपने राजस्थान में 50 जिले हैं तो 50 जिले में ही पेपर अलग-अलग होंगे डेट अलग होगी ठीक है लेकिन उनका पेपर पैटर्न और ये सिलेबस सेम रहने वाला है ठीक है और आपको इस चैनल पे आपके सभी विषयों का यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस मिल जाएगा और यहां पे आपको सभी विषयों के ईयरली हो हाफ ईयरली हो जिला समान परीक्षा योजना के तहत होने वाले बाकी जिलों के पेपर सल्यूशन हो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा बेहतरीन आपको मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी संस्कृत सामाजिक सभी विषयों के यहाँ पे आपको नोट्स बेहतरीन क्वेश्चंस वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें ठीक है चलिए देखते हैं अपने सौ नंबर का अपने वार्षिक पेपर आने वाला है और जो अपने अर्धवार्षिक परीक्षा होगी नाइन्थ में वो होगी अपने सत्तर नंबर की ठीक है ना वो भी आपको जैसे ही उनका जिला वाइज सिलेबस आएगा आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा अब देखते हैं और आपको अर्धवार्षिक के पेपर सोल्यूशन यहाँ मिलेंगे एग्जाम से पहले और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के भी मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है सौ मार्क्स का अपने ईयरली पेपर आने वाला है वार्षिक परीक्षा जो दो में होने वाली उसमें और सवा तीन घंटे का अपने समय रहने वाला है ठीक है अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो देखिए रीडिंग रहेगी बीस नंबर की रीडिंग मतलब पैसेज ठीक है राइटिंग रहेगी अपने अट्ठारह नंबर की राइटिंग यानी जिसमें आपको ई लिखना पड़ता है ठीक है नोटिस वगैरह ये ठीक है फिर यह ग्रामर रहेगी आपके बारह नंबर की और टेक्स्ट बुक अपनी बिहाइव है वो है पैंतीस नंबर की और जो मोमेंट्स हैं वो है अपने पंद्रह नंबर की अब देखते हैं कि इनको अलग अलग किस टॉपिक को कितने नंबर में बांटा गया तो देखिए सबसे पहले रीडिंग पोर्शन है वो अपना बीस नंबर का है और उसके अंदर अपने को दो पैसेज मिलेंगे टू अनसीन पैसेज अनसीन पैसेज का मतलब हो गया कि ऐसे पैसेज जो कि अपनी बुक में से नहीं है हो सकता आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाओ ठीक है या नहीं भी पढ़ाओ ऐसे पैसेज मिलेंगे जो कि कॉम्प्रिहेंशन इन अबाउट फोर हंड्रेड वर्ड्स फॉर बोथ मतलब आपको दोनों ही जो पैसेज हैं वो कितने चार सौ शब्दों में वहाँ पे आपको मिलेंगे ठीक है लगभग दो सौ दो सौ शब्दों के मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप उनको अटेंड कर सकते हो क्यों क्योंकि पैसेज इस बार बहुत आसान कर दिए क्यों क्योंकि जो आपको पहला पैसेज मिलेगा वो लगभग दो सौ शब्दों का रहेगा जिसमें दस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पे एम मिलेंगे आपको सिर्फ ऑप्शन चुनना ए बी सी डी जो भी हो ठीक है और दस नंबर आपको वहाँ पे मिलेंगे ठीक है दूसरा है टू क्वेश्चन ऑन वॉकेबलरी जिसके अंदर दो क्वेश्चन वॉकेब पे होंगे वॉकैब पे कहने का मतलब जिसमें आपके सिमिलर वर्ड और जिसमें अपोजिट वर्ड पूछा जाता है और बाकी जो होंगे वो होंगे आपके उस पैसेज को जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर जो बात लिखी है उसके ऊपर आठ क्वेश्चन होंगे ठीक है फिर आता है अपना पैसेज नंबर सेकेंड ये भी 200 सौ वर्ड्स का होगा टेन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे कॉम्प्रीहेंसन क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन लेक्सिकल आइटम्स कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें आपको पैसेज में दस छोटे छोटे आंसर लिखने वाले क्वेश्चन मिलेंगे बड़े क्वेश्चन यहाँ भी नहीं है तो ये बीस नंबर बड़े आसान हो गए आपको यहाँ पे अनसिन पैसेज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ईयरली के लिए भी हाफ ईयरली के लिए भी ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा फिर आता आपने जो दूसरा पैसेज है उसमें इस प्रकार का ध्यान रखना आपको ठीक है अगला आता आपने टॉपिक राइटिंग राइटिंग क्या है आपने अठारह नंबर की है और है भी बड़ी आसान क्यों क्योंकि पहला टॉपिक रहेगा आपने लेटर और ई का ठीक है जिसमें आपको लेटर राइटिंग वन आउट ऑफ टू मतलब आपको दो लेटर मिलेंगे उनमें से आपको एक करना है अब उनमें हो सकता है फॉर्मल लेटर हो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो चाहे ईमेल हो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है लेकिन और में रहेगा ये छः नंबर का आने वाला है हो सकता है अपने को इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर और में मिल जाए इन दोनों में से करना हो, हो सकता है ई और फॉर्मल लेटर मिल जाए या हो सकता ई मेल और इनफॉर्मल लेटर मिल जाए ठीक है ना तो इस हिसाब से आपको तैयार करना जो इम्पोर्टेंट आपके लिए ई है लेटर है वो आपको यहाँ पर करवा दिए जाएंगे ठीक है फिर आपका रहेगा शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें आपको स्पीच लिखनी है डिबेट टाइप बेस्ड ऑन आउटलाइन और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे हंड्रेड वर्ड्स में लगभग लिखना आपको एटी टू हंड्रेड वर्ड्स है आपको दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है ये भी छः नंबर का रहने वाला है ठीक है मतलब शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आपको टॉपिक दे दिया जाएगा आउटलाइन दे दी जाएगी उसके आधार पर लिखना है फिर रहेगा अपने शॉर्ट राइटिंग टास्क इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और स्टोरी या तो आपको डायलॉग राइटिंग करनी या स्टोरी राइटिंग करनी इन दोनों में से आपको एक करना है ठीक है हिंट आपको वहाँ पे रहेगा और इनको भी आप एटी टू हंड्रेड वर्ड्स में आप अपना आंसर लिखेंगे ठीक है ये भी आपके छः नंबर का रहने वाला है इसके बाद आते हैं अपने बेहतरीन टॉपिक ग्रामर पे ये तो आपको इतना बेहतरीन यहाँ पे करवाया जाएगा और पहले की वीडियो डाले हुए भी हैं क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आ सकते ठीक है जिसमें आपको ग्रामर रहने वाला है चार नंबर का ठीक है ये नॉर्मली आपसे एम में पूछ सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं ठीक है फिर है अपने रिलेटिव प्रोनाउन ये ग्रामर के जो भी टॉपिक है ना नॉर्मली आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे ठीक है ना कहने का मतलब फिलप्स पूछेंगे ठीक है ना क्या पूछेंगे फिलप्स में की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे ये टॉपिक सारे आपको जो डिटर है प्रिपोजिशन है ठीक है ना अपने ग्रामर में देखिए चार नंबर के टेंसेज है रिलेटिव प्रोनाउन है ये आपने टू मार्क्स के डिटर माइनस थ्री मार्क्स के हैं प्रिपोजिशन आपने थ्री मार्क्स की है ठीक है और ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगला देखते हैं अपने जिसमें अपनी बुक आ जाती है बुक दोनों मिला के बिहाई और अपने जो आ, सेकंड बुक है अपनी मोमेंट्स वो दोनों मिला के आपने कितने नंबर किए हैं पचास मार्क्स किए ठीक है, है क्योंकि सौ नंबर का ईयरली पेपर है हाफ ईयरली में थोड़े थोड़े नंबर कम कर दो बाकी वैसा ही पेपर रहने वाला है अब इसमें बिहार में अपने को क्या करना है कि एक पैसेज मिलेगा अपने बुक से टू वर्ड्स में मिलेगा और उसमें अपने को एम सी क्यूज कोई फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होगा उधर अपने को वन लाइनर क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आठ नंबर उधर मिल जाएंगे ठीक है फिर फिर होंगे अपने थ्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ फोर मतलब चार में से आपको कोई तीन क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन का जवाब आपको ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स में देना है बीस से तीस शब्दों में देना है और वो आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं तीन क्वेश्चन तो तीन क्वेश्चन होंगे और दो दो नंबर होंगे तो अपने छह नंबर बन जाएंगे ठीक है उसके बाद में अपना वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ टू कहने का मतलब एक क्वेश्चन करना आपको दो में से और अस्सी शब्दों में आंसर देना और ये पांच नंबर आपको दिला के जाएगा ठीक है फिर है वन आउट ऑफ टू ऑन ड्रामा टेक्स्ट इसमें आपके लोकल ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन अबाउट फोर्टी वर्ड्स चालीस शब्दों में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से एक अटेम्प्ट करना और आपको यहाँ पे तीन नंबर मिल जाएंगे फिर अपने बिहारी में जो पोइट्री सेक्शन है जो पोइम्स है वो तेरह नंबर के आने वाली है तो तेरह नंबर के क्वेश्चन उसमें से होंगे तो कैसे होंगे वन आउट ऑफ टू एक्सट्रक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिशिएशन टू क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे पोइट्री की चार लाइनें दे, दे देंगे आपको उनमें से आपको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दो तो क्वेश्चन मिले दो एक्सट्रैक्ट होंगे कहने का मतलब मतलब आपको चार लाइनें यहाँ दे दी किसी पोइम की चार लाइनें ही यहाँ दे दी अब दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे दो इसमें रहेंगे आपकी जो मर्जी बीच में और लिख रखा है आपकी जो मर्जी वो आप अटैम्प्ट करिए और आंसर दीजिए चार नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे ठीक है फिर हैं टू आउट ऑफ थ्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम एंड आइडिया कहने का मतलब आपने जो पोइम्स पढ़ रखी है उसकी थीम पूछ सकते हैं आपको ठीक है उसमें सेंट्रल आइडिया पूछ सकते हैं उसका या उसमें से छोटे बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं छोटे छोटे बनेंगे क्योंकि आपको आंसर देना ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स में और ये रहेगा आपके चार नंबर का यानी आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको दो क्वेश्चन कर लेने चलिए नेक्स्ट है अपने की वन आउट ऑफ टू लॉन्ग मतलब आपको दो बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आपको एटी वर्ड्स में देना है और इसमें से भी पोइम के आपको थीम सेंट्रल आइडिया वगैरह यही पूछा जाने वाला है ये पाँच नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है उसके बाद आते हैं अपने मोमेंट्स बुक ठीक है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर्स की जो स्टोरी है वो बड़े अच्छे से होनी चाहिए याद ठीक है जो कि बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको फोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं एम मिलते हैं सबसे लास्ट वाला आपके पेपर में क्वेश्चन रहने वाला जहाँ आपको चार नंबर मिलेंगे और ये एम आपको अपने इस चैनल पर बेहतरीन ढंग से मिलेंगे ठीक है तो देखिए वन आउट ऑफ टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रिगार्डिंग करेक्टर प्लॉट सिचुएशन ऑकरिंग इन द लेसन आपको अस्सी शब्दों में आंसर देना है दो बड़े क्वेश्चन में से एक का ठीक है पांच नंबर आपको मिलेंगे अब उसमें करेक्टर स्केच पूछ सकते हैं किसी का भी ठीक है फिर टू आउट ऑफ फोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ठीक है साठ शब्दों में देना है आपको चार क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से दो अटेम्प्ट करने और आपको तीन तीन नंबर के वो क्वेश्चन रहने वाले हैं ठीक है ना तो इस प्रकार से आपका ये पूरा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपके ईयरली एग्जाम में इसी प्रकार का आने वाला है और आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर करना है बाकी सभी सब्जेक्ट के जो आपके सिलेबस हैं वो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं किस टाइप से पेपर आने वाला है ठीक है यहाँ पे आपको इस चैनल पे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ओरिजिनल पेपर के सल्यूशन्स मिलेंगे आपके जिले में पेपर होने के बाद उसका सोल्यूशन मिलेगा ठीक है तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत